तो भाई लोग कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। आज मैं स्मार्टफोन का वाटर टेस्ट करने वाला हूँ, देखेंगे कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आते कि नहीं वाटर टेस्ट करने के बाद ही। तो सबसे पहले कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, कैमरा की पिक्चर ले लिया। कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छा प्रोवाइड करे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप चलिए फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट कर लेते, क्योंकि चेक कर लेते अच्छा काम करे देख सकते हो। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में भी प्रॉब्लम नहीं है। और फेस वालों को भी ट्राई कर लेते हो, या फिर टैप करो देख सकते हो, या फिर ओपन हो रहा है तो अच्छी तरीके से यहाँ पे फेस अनलॉक भी काम कर रहा है देख सकते हो। फेस अनलॉक भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और आप चलिए म्यूजिक को प्ले करके देखते हैं, क्योंकि साउंड सुनते हैं यहाँ पे। तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया सा है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वाटर टेस्ट करने के बाद ये चार्जिंग टेस्ट और जो हेडफोन टेस्ट वगैरह करने वाले। तो यहाँ पे मैंने रख दूँ और इसके अंदर पूरी की पूरी 1 लीटर पानी को गिराने वाला हूँ। तो यूकी डालने वाला हूँ, डाल रहा हूँ भी देख सकते हो। तो पूरी की पूरी 1 लीटर पानी यहाँ पे डाल दे, और यहाँ पे स्टॉप वॉच को भी मैं ऑन कर देता हूँ, माइनस करके जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 मिनट तक इसको पानी के अंदर रखेंगे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप घर में मत ट्राई करना, क्योंकि मैं जो वीडियो करूँ मेरे फ़ोन भी डैमेज हो सकता है। मैं जो वीडियो करूँ अगर आपका फ़ोन कभी भी पानी में पड़ जाए, बारिश में भीग जाए, तो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आएगा कि नहीं वो देखने के लिए मैं वीडियो करूँ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को मास्क भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए जो 42 सेकंड भी हो, 3 सेकंड 4 सेकंड भी होने जा रहा है। तो स्मार्टफोन को मैंने प्लग दिया हो और ऑब्वियसली काम नहीं करता है स्मार्टफोन पानी के अंदर, हर एक स्मार्टफोन स्मार्टफोन भी काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट जब हो जाएगा इसको मैं उठा लूँगी और अच्छी तरीके से ड्राई और सेक वगैरह करने वाला हूँ। अगर आपका फ़ोन कभी भी पानी में पड़ जाए तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना 24 आवर्स के लिए, और अच्छी तरीके से ड्राई और सेक वगैरह कर लेना। जैसे मैं कर रहा हूँ देख सकते हो ड्राई और सेक, उसी तरह आप भी कर लेना, क्योंकि स्पॉट एंड वैक्यूम की तरफ पानी चला जाता है, इसीलिए अच्छी तरीके से ड्राई और सेक वगैरह कर लेना यहाँ पे। तो चलिए फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे टेस्ट कर ले, तो फिंगरप्रिंट सेंसर देख लेते हैं। काफ़ी फास्ट है देख सकते हो, पहले जैसे यहाँ पे काम करे अच्छी तरीके से। तो फिंगरप्रिंट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और फेस साउंड को भी ट्राई कर लेते हो, इसको चेक कर लेते हो, फेस साउंड भी अच्छी तरीके से काम करे देख सकते हो। टैप करो ओपन हो रहा है। और आप चलिए यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया सा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप चलिए यहाँ पे जो हेडफोन से गाना को प्ले करते हैं और देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसे आता है यहाँ पे। बाई डिफॉल्ट जो हेडफोन में साउंड क्वालिटी कैसे आता है, अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है मुझे तो, शायद आपको नहीं सुनाई दे रहा है लेकिन मुझे तो अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है। ऐसे भी दोस्तों टार्ज भी बहुत ही फास्ट है, और चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं या फिर चार्ज हो रहा है कि नहीं। या फिर आप देख लीजिए चार्ज भी हो रहा है, कुछ भी तो प्रॉब्लम या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वाटर टेस्ट करने के बाद अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, और कैमरा भी अच्छा या फिर काम कर रहा है। तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है, बहुत सारे स्मार्टफोन का कैमरा लेंस के ऊपर पानी वगैरह चला जाता है, यहाँ पे भी कैमरा लेंस के अंदर पानी नहीं गया। तो वाटर टेस्ट करने के बाद अभी तक तो मेरे को स्मार्टफोन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया, डिस्प्ले भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो वाटर टेस्ट करने बाद स्मार्टफोन पूरी की पूरी पास हो गया। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को मास्क भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगले न्यू वीडियो में।